दोस्तों, फिल्मी दुनिया के इस सफर में हमने आपको कई कलाकारों की जीवनी से रूबरू कराया है, जिसमें नायक, नायिका, खलनायक और हास्य कलाकार शामिल हैं। ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने फिल्मों में आने के बाद अपने हुस्न के जलवे से काफी दिलों पर राज किया, साथ ही दमदार अभिनय से खुद को शीर्ष अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर लिया। महज 13 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में आने वाली इस अभिनेत्री को इसके पहले फिल्म के लिए इसे उस समय 10 रुपए मिले थे। जी हाँ दोस्तों, ये अभिनेत्री कोई और नहीं, फिल्मों की ब्यूटी क्वीन मशहूर अभिनेत्री जयाप्रदा है। 80 और 90 के दशक में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन जब वो बॉलीवुड फिल्मों से दूर हुई तो वापस कभी फिल्मों में दिखाई नहीं दी। उसके बाद जब वो दोबारा लोगों की नजरों में आईं तो एक राजनेता के रूप में नजर आईं। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में अपना नाम कमाने वाली और पॉलिटिक्स में झंडे गाड़ने वाली जयाप्रदा का व्यक्तिगत जीवन काफी विवादित रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, एक्टिंग करियर और पॉलिटिकल करियर, साथ ही उनकी निजी जिंदगी से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 3 अप्रैल साल 1962 को राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम ललिता रानी है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तेलुगु मिडिल स्कूल राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से किया। उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। दोस्तों, जब वो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक डांस परफॉर्म कर रही थी, तभी उसी फंक्शन में एक फिल्म निर्देशक भी आए हुए थे। उन्होंने जया को जब डांस परफॉर्म करते हुए देखा तो उन्हें उनका डांस काफी अच्छा लगा। उन्होंने उनको अपने एक तेलुगु फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने का ऑफर दिया। उस समय वो महज 13 साल की थी। उनके पिता उस समय तेलुगु फिल्मों को फाइनेंस करने का काम किया करते थे। बहरहाल, पिता की परमिशन मिलने के बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए राजी हुई। फिल्म निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म भूमि कोसम में सिलेक्ट कर लिया था। उसमें उन्होंने महज 3 मिनट की ही भूमिका निभाई। उस 3 मिनट में वो डांस करती नजर आईं। उस भूमिका के लिए उन्हें 10 रुपए मिले थे, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया है। दोस्तों, वो फिल्म निर्देशक और कोई नहीं बल्कि केबी तिलक थे, जो अपने जमाने के एक मशहूर निर्देशक हुआ करते थे। ये फिल्म साल 1974 में आई थी। यहीं से जया का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके साथ ही ये फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म साबित हुई। उसके बाद साल 1975 में उन्हें एक और तेलुगु फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला, जिसका शीर्षक है नाकु स्वतंत्र वाचिंदी। ये उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। उसके बाद साल 1976 में उन्हें 6 फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला, जैसे मनमथा लीलाई, अंतुलेनी कथा, श्री राजेश्वरी विलास कॉफी क्लब, सिरी सिरी मुव्वा, सीता कल्याणम और मंगलयानी की मारुमुड़ी। अंतुलेनी कथा एक तमिल फिल्म थी। इन सभी फिल्मों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि अभी तक वो हिंदी फिल्मों में नजर नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह का अभिनय कौशल उन्होंने दिखाया, उसके चलते उन्हें कई तमिल और उसके बाद कई हिंदी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने मलयालम, बंगाली, मराठी और कन्नड़ जैसी भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया है, जिसका जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे। तेलुगु फिल्मों में प्रसिद्धि मिलने के बाद उन्होंने हिंदी भाषा की फिल्मों में एंट्री मारी। साल 1979 में आई हिंदी भाषा की फिल्म सरगम में वो नजर आईं। ये उनकी हिंदी भाषा की डेब्यू फिल्म थी, जिसे के विश्वनाथ द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। आपको बता दें कि फिल्म सिरी सिरी मुव्वा की हिंदी रीमेक थी। जया ने उसमें भी अभिनय किया था। साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसने उन्हें साउथ इंडिया का स्टार बना दिया था। बहरहाल, इसमें भी उन्होंने एक बेहतरीन भूमिका निभाई। इसके अलावा फिल्म में ऋषि कपूर भी शामिल थे। फिल्म में कई और सहायक कलाकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे शशिकला, धीरज कुमार, रजनी शर्मा, लीला मिश्रा, त्रिलोक कपूर और ओम शिवपुरी। इनके अलावा कई और अन्य कलाकार भी शामिल थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। साथ ही 1979 में बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई। उनकी हिंदी भाषा की पहली ही फिल्म ने उन्हें हिंदी भाषा की फिल्मों में रातों रात स्टार बना दिया। इनके अलावा फिल्म में कई और कलाकारों को पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने फिर दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी हिंदी भाषा की फिल्म उसी साल लोक परलोक में अभिनय किया। इस फिल्म को एस वेंकट रत्नम द्वारा निर्मित और टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। ये एक कॉमेडी फिल्म थी। सरगम फिल्म के संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म में भी संगीत निर्देशन का काम किया था। फिल्म में जयाप्रदा ने सावित्री की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में जितेंद्र मुख्य भूमिका के रूप में दिखाई दिए। अमजद खान, मदनपुरी, प्रदीप कुमार, प्रेमनाथ और देवेन वर्मा जैसे कलाकार भी इस फिल्म में शामिल थे। ये फिल्म भी साल 1977 में आई तेलुगु फिल्म की हिंदी रीमेक थी, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई ही किया। उन्होंने अपनी तीसरी हिंदी की फिल्म साल 1980 में किया, जिसका शीर्षक था टक्कर और जिसे निर्देशित करने का काम के बायप्पा ने किया था।
ये एक एक्शन फिल्म थी जिसमें जया ने गंगा की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में मशहूर कलाकार अशोक कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र, विनोद मेहरा और जीनत अमान भी शामिल थे। हालांकि ये फिल्म भी तेलुगु फिल्म की रीमेक थी जिसका शीर्षक था देवुडू चेसीना मानुशुलु, जो साल 1973 में आई थी। लेकिन टक्कर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में लगभग असफल रही। दोस्तों, यही वो दौर था जब जया एक बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में खूब चर्चित हुई और 80-90 का दशक लगभग उनका ही रहा। उन्होंने कई और हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कामचोर, बाबरी, दिल ए नादान, कयामत, तोहफा, धर्म और कानून, शराबी, हैसियत, आवास, मवाली, संजोग, हकीकत, स्वर्ग से सुंदर, सिंदूर, घर घर की कहानी, थानेदार, इंसानियत के देवता और धरती पुत्र। इसके अलावा उन्होंने मलयालम भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जैसे इन्यूम कथा, थूड़ाराम, देवदूतन, प्राणायाम और किन्नर। उन्होंने मराठी भाषा की फिल्म में भी अभिनय किया है, जैसे आधार। कुछ कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय का प्रदर्शन किया है, जैसे सनादी अपन्ना, हुलिया हालिना मेवू, कविरत्न कालिदास और इसके अलावा कई अन्य फिल्में भी शामिल थीं। उन्होंने साल 1998 में आमी से मैं जैसी बंगाली फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों के अलावा वो कई टेलीविजन शोज में भी देखी जा चुकी हैं, जैसे उत्तम पति, द कपिल शर्मा शो सीजन 2, इंडियन आइडल, ससुराल सिमर का सीजन 2 और हुनरबाज देश की शान। दोस्तों, जया ने सबसे ज्यादा तेलुगु और हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं और अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया है। उनकी आखिरी फिल्म सुवर्णा सुंदरी थी, जो कि तेलुगु भाषा की फिल्म थी। फिल्मों के अलावा वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। इसके पहले वो एक एक करके कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ी रही हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकमंच और राष्ट्रीय लोकदल। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने साल 1986 में फिल्म निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी रचाई। हालांकि उस समय वो काफ़ी विवादों में गिरी, क्योंकि फिल्म निर्माता श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम चंद्रा है और उनके 3 बच्चे भी थे। फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर लिया। जया के 3 सौतेले बेटे हैं, हालांकि उनकी भी एक संतान है जिसका नाम सिद्धू है, लेकिन वो उनकी बहन का बेटा है जिसे उन्होंने गोद लिया था। उनके पति से उन्हें एक भी संतान नहीं हुआ है। आज सिद्धू भी एक एक्टर के रूप में काम करते हैं। उन्होंने साल 2016 में एक तमिल फिल्म उएरे उएरे से डेब्यू किया था। जया की सौतेली बेटी का नाम संयुक्ता है। जया के पिता का नाम कृष्णा राव था, जो कि एक तेलुगु फिल्म फाइनेंसर थे, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में भी किया था। वहीं पर उनकी माता एक गृहिणी थी जिनका नाम नीलावेनी था। उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम राजू बाबू है। फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उन्हें हिंदी भाषा की फिल्म सरगम, संजोग और शराबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके अलावा उन्हें कई साउथ फिल्मों के लिए भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर उन्हें करीब 8 से 10 साउथ फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों का नामांकन प्राप्त हुआ है और करीब 3 पुरस्कार उन्होंने जीता भी है। दोस्तों, उन्होंने अपने अभिनय के दम पर खुद को शीर्ष अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल किया है, साथ ही दर्शकों को रोमांचित किया। जया अब 61 साल की हो चुकी हैं और ज़्यादातर राजनीति में सक्रिय रहती हैं, लेकिन उन्होंने जो योगदान फिल्म इंडस्ट्री को दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा किसी फिल्म में दिखेंगी और अपने चाहने वालों को मनोरंजित करेंगी। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं, साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।